हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या कर रहा हूँ इधर। आज ये मेरी रेसिपी है, इसे कहते हैं हम लोग ओरियो कुकी क्रंच शेक। सो इसे बनाने के लिए चाहिए हमें एक ओरियो का पैकेट, एक कप थोड़ा सा दूध, एक कप से ज़्यादा है कम, और चॉकलेट सिरप है ये, और ये है कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम जो है अमूल की। आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारी आ चुकी हैं। अब हमें लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर जिसके अंदर हम लोग बनाएंगे अपना शेक। ये मैंने डाल दिया सारा का सारा दूध, और दूध के साथ हम लोग थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी ले सकते हैं। अगर आपका दूध पैसे ही ठंडा है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, पर लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लें एक आइस क्यूब्स, क्योंकि और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है इससे टेस्ट। देखिए, मैंने आइस क्यूब डालने के बाद इसे इसके कवर से ढक दिया है, और ये मैंने स्टार्ट किया इसका प्लग, और आप इसे थोड़ी देर ब्लेंड करें ताकि ये थोड़ा दूध और ज़्यादा बढ़िया हो जाए और थिक हो जाए थोड़ा सा दूध। अब ये देखिए, हमारा दूध बिल्कुल रेडी है आगे का काम करने के लिए। ये देखिए ओरियोज, हम लोग ओरियोज अगर हम 2 कप बना रहे हैं तो 10 ओरियोज लगेंगे हमें। एक बना रहे हैं मतलब एक ग्लास बना रहे हैं तो 5, 2, फिर 10। मैं 10 के 10 डाल रहा हूँ इसके अंदर, और ये भी हम लोग ग्राइंड कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्योंकि कलर देखिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो उसकी जगह स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, या फिर आजकल चॉकलेट फ्लेवर भी आ रहे हैं वो भी ले सकते हैं, पर लेकिन मैं तो ये नॉर्मल वाले प्रेफर करूँगा क्योंकि ये और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने ओरियो और दूध को ब्लेंड करने के बाद ये मैंने डाला इसके अंदर ये जो है हमारा चॉकलेट सिरप। ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, पर लेकिन अकॉर्डिंग टू द बिस्किट्स आप डालें। जैसे अगर आपने चॉकलेट लिया है या वनीला फ्लेवर लिया तो चॉकलेट ही डालें, और आजकल देखिए अगर आप स्ट्रॉबेरी लेंगे तो स्ट्रॉबेरी सिरप आता है या वो डालें। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी आइसक्रीम। देखिए, अगर आप 2 कप बना रहे हैं यानी 2 ग्लासेस बना रहे हैं तो मैं डालूंगा 2 स्कूप्स यानी 1 स्कूप फॉर ईच, एक ग्लास के लिए 1 स्कूप। बहुत अच्छा लगेगा ये टेस्ट। आप चाहे तो किसी का वनीला आइसक्रीम भी ले सकते हैं, वो भी सही लगेगी, और चॉकलेट भी। ये देखिए, मैंने आइसक्रीम डालने के बाद इसे एक और बार ब्लेंड कर दिया ताकि ये भी हमारे मिल्क के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, और जो इसका टेस्ट है वो ओरियो के साथ मिक्स होकर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ब्लेंड हो चुका है बिल्कुल परफेक्टली, और अब हम इसके अंदर ये जो हमारे ग्लासेस है इसके अंदर डाल देंगे। इसको मैं कहूँगा गार्निश करके सर्व करें ताकि और अच्छा लगे। ये पीने में तो अमेजिंग होगा ही, पर लेकिन देखने में जो आएगा मज़ा वो तो कुछ अलग ही होगा। मैंने दोनों कप्स में इक्वली इन शेक को निकाल दिया है। देखिए, वापस रोल आता है हमारी आइसक्रीम का। हम लोग आइसक्रीम डालेंगे 2 स्कूप्स ऊपर से ताकि ये अच्छे लगे देखने में, और ऊपर से हम आइसक्रीम भी खा सकते हैं अलग से। 2 स्कूप फॉर ईच यानी अगर टोटल आप मिला के देखें तो 1 ग्लास के लिए आपको टोटल 3 स्कूप चाहिए होंगे। 2 फॉर गार्निशिंग, 2 गार्निशिंग के लिए, और 1 मतलब डाल के मिक्स करने के लिए। देखिए, आइसक्रीम के स्कूप्स डालने के बाद मैंने लिया है चॉकलेट सिरप, और ये भी हमारे गार्निशिंग के रूप में इस्तेमाल होगा, जो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और टेस्ट भी आएगा इसका अलग से। और अगर आपने इसके अंदर अपना क्या कहते हैं वो वाला फ्लेवर इस्तेमाल किया है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस्तेमाल किया है, तो आप टॉप पर भी स्ट्रॉबेरी सिरप ही डालें ताकि वो थीम से मैच हो जाए। देखिए, मैंने वो भी डाल दिया है सिरप। अब आएगी हमारे ओरियो की बात। देखिए, मैंने यानी 12 पीसेस थे मेरे पास, मैंने 10 डाल दिए थे और बचे 2। अब मैं 2 को ये भी गार्निशिंग में इस्तेमाल कर लिए, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसके साथ कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे चॉकलेट्स, रोल्स, और भी कुछ रख सकते हैं। और देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मैंने बड़ी चतुराई से सोची है। ये कल रात को मेरे दिमाग में आई। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस गर्मी के मौसम में आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ये रेसिपी दे सकें। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।